हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सब हैप्पी हेल्दी होंगे। आज हम बात करेंगे वेजाइनल टैबलेट की, जो प्रोजेस्टेरोन की जो कैप्सूल आता है, जो ज़्यादातर सस्टेन 200 के नाम से आता है, या किसी और नाम से भी आप ये प्रोजेस्टेरोन की जो है वेजाइनल कैप्सूल या टैबलेट रख रहे हैं वेजाइना में, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं। तो आज मैं वो सारे क्या सावधानी रखनी चाहिए आपको रखते टाइम, किस तरीके से रखनी है, आज मैं सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। ये जो जो टैबलेट होती है या कैप्सूल होता है, ये या तो IUI या IVF के दौरान जो है रखा जाता है, या फिर प्रेगनेंसी में इसे रखते हैं। कई बार इन्फेक्शन होता है तो उसमें भी आपको वेजाइनल टैबलेट रखनी होती है। तो अगर आप उस पर्पज़ से भी वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, इसमें आपको पूरी सावधानियाँ बताई जाएंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि ये जो प्रोजेस्टेरोन होती है क्यों रखी जाती है। तो देखिए, अगर आप IUI या फिर IVF के ट्रीटमेंट के दौरान ये रख रहे हैं या फिर आप प्रेगनेंसी में रख रहे हैं, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है सबसे मेन हार्मोन होता है प्रेगनेंसी का। और अगर आप बाय माउथ ये दवाई लेते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप इसको वेजाइनली रखते हैं तो इसमें साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, इसीलिए इसको वेजाइनली रखा जाता है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा कई बार आप फर्स्ट टाइम अगर आप ये रखने के लिए आपको डॉक्टर ने बोला है तो काफ़ी घबराहट हो जाती है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में दूंगी। तो सबसे पहले है कि आपको जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आप एक्सपायरी डेट वगैरह पहले ही देख लें, क्योंकि कई बार जो है, वैसे तो केमिस्ट जो है एक्सपायरी डेट देख कर देते हैं, बट स्टिल आपको एक्सपायरी डेट पहले देख लेनी है जब भी आप इस टैबलेट को रखेंगे। उसके बाद आपको हैंड वॉश हमेशा करने हैं, और एक बार आपने हैंड वॉश कर लिए उसके बाद आपको फिंगर से सिर्फ टैबलेट को टच करने के अलावा किसी और चीज़ को टच नहीं करना है जब तक कि आप इंसर्ट ना कर लें, क्योंकि अगर आप किसी और चीज़ को टच कर लेते हैं उसी फिंगर से आप रख रहे हैं तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे। दूसरा, अगर आप एप्लीकेटर का यूज़ कर रहे हैं ये टैबलेट रखने के लिए या कैप्सूल रखने के लिए वजाइना में, तो आपको एप्लीकेटर हर रोज़ चेंज करना होगा, और डिस्पोजेबल अगर आपके पास एप्लीकेटर है तो आपको हर रोज़ उसको फेंकना है और नया यूज़ करना है। अगर आप स्टरलाइज वाला यूज़ कर रहे हैं तो उसको हर रोज़ आपको स्टरलाइज करना है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आज मैं आपको जो फिंगर से डालने वाली है टैबलेट, उस मेथड के बारे में ज़्यादातर बात करूँगी। तो देखिए, आपको वॉश कर लेने हैं हैंड्स, अगर आप एप्लीकेटर से भी रख रहे हैं तब भी आपको हैंड वॉश करने हैं। उसके बाद आपको जो है यूरिन पास है या स्टूल पास आपने अगर करना है तो हाथ धोने से पहले ही आप ये सब कर लेंगे, क्योंकि आपको एक बार आपने हाथ धो लिए या आपने टैबलेट रख ली, कैप्सूल रख लिया, उसके बाद आपको 1-1.5 घंटे तक आपको यूरिन पास ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी अगर आप यूरिन पास नहीं करते हैं 1-1.5 घंटे तक। तो इसलिए अगर आपको नहीं भी आ रहा है यूरिन तो आप जो है ट्राई कर सकते हैं, यूरिन पास कर सकते हैं। और उसके बाद आपको जो है ज़्यादातर इसमें बताया जाता है कि आप एक बार रखने के बाद, इंसर्ट करने के बाद आपको 1.5 से 2 घंटे तक रेस्ट करना होता है। तो देखिए, हर डॉक्टर अलग बताता है, कुछ लोग डॉक्टर जो है 15 मिनट बोलते हैं, कुछ आधा घंटा बोलते हैं, लेकिन पर्सनली मैं आपको बताऊं तो मैं 2 आवर्स तक का वेट करती थी ताकि वो अच्छे से डिजॉल्व होकर और अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि मेन हार्मोन होता है प्रेगनेंसी के लिए। IVF IUI में भी अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ये भी सबसे मेन हार्मोन होता है जो आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाला है। तो इसलिए 2 आवर्स अगर आप नहीं भी लेट सकते तो एटलीस्ट 1 आवर इसके बाद आप ज़रूर लेटेंगे। इसके अलावा आपको इंटरकोर्स नहीं करना है एप्लीकेशन अगर आपने इंसर्ट कर ली उसके बाद 2 घंटे तक। और अच्छा रहेगा कि अगर आप रात के टाइम इसको रख रहे हैं तो आप इंटरकोर्स करने के बाद अच्छे से वॉश करके सब कुछ, उसके बाद उसे सुखा कर जब आपको जो है इसको इंसर्ट करना है और फिर रात को सोना है, तो यानी कि आपको सोते टाइम इसे आप रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मॉर्निंग इवनिंग कई बार 2 टाइम दी जाती है तो फिर उसमें आपको अलग से रेस्ट करना पड़ेगा। बाकी इसके टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने जिस दिन फर्स्ट डे आप जिस टाइम पे टैबलेट रखते हैं अगले दिन उसी टाइम पे आपको रखनी है दोनों टाइम, अगर 2 टाइम रखें तो दोनों टाइम का भी टाइम सेम हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा और आपको कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। तो इसके लिए आप अलार्म सेट कर सकते हैं, आप जितने दिन आपको कुछ हफ्ते, क्योंकि ट्रीटमेंट के दौरान या प्रेगनेंसी में काफ़ी हफ्तों तक इसे रखा जाता है, तो आप अपने पूरे हफ्ते जितने दिन आपको रखनी है उनका पूरा अलार्म लगा लीजिए, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सुविधा रहेगी। और यही मैंने किया था क्योंकि आप टैबलेट मिस करने का चांस नहीं ले सकते हैं, तो आप अलार्म लगा सकते हैं। इसके अलावा बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि क्या टैबलेट को पानी में डिप करने के बाद इंसर्ट करना है। तो देखिए, ये जो है आपकी टैबलेट पर डिपेंड करता है आपकी कौन सी ब्रांड की टैबलेट है या कौन से नाम की टैबलेट है, कोई क्योंकि अलग अलग नाम से टैबलेट आती हैं। जो सस्टेन 200 है उसको पानी में डिप नहीं करना होता, वो कैप्सूल होता है।
लेकिन अगर आपको पानी में डिप करने वाली टैबलेट या कैप्सूल आपको डॉक्टर ने बताया है, तो उसमें आप डॉक्टर आपको बता देगी कि इसे पहले पानी में 1 सेकंड के लिए डिप करना है। तो अगर आपको डॉक्टर ने नहीं बताया है तो आपको उसको डिप नहीं करना है। ये बात आप केमिस्ट से भी पूछ सकते हैं, जब आप दवाई खरीदेंगे तो आप उसको पूछ सकते हैं कि इसे पानी में डिप करने वाली है या नहीं है। तो ज़्यादातर जो इन्फेक्शन की दवाई होती है, सस्टेन ना होकर जो इन्फेक्शन के लिए रखी जाती है, वो जो होती है फंगल इन्फेक्शन के लिए ज़्यादातर होती है, तो उसको मेनली पानी में डिप करके रखना होता है। बट आपको अपने डॉक्टर और केमिस्ट से इस बारे में पूछना है दवाई खरीदने से पहले। तो ये सब हो गया। उसके बाद आपको जो लेटना होता है, उसके बाद आप स्ट्रेट बैक करके लेटेंगे और अपनी थाइस को अप रखेंगे, उससे आपको जो है इंसर्ट करने में काफ़ी इजी रहेगी। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है कि किस तरीके से देखना है, किस तरह से पोजीशन होनी चाहिए, मैंने लाइव वीडियो की डेमो की वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से रखना है, किस तरीके से लेटना है और इसका सही मेथड क्या है रखने का। तो इसके अलावा बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि मैडम ये सब जो है टैबलेट जो है बाहर निकल जाती है कुछ देर के बाद, तो इसमें एब्जॉर्प्शन पता नहीं हुआ है या नहीं। तो देखिए, अगर आप 1 से 1.5 घंटा लेट जाते हैं टैबलेट रखने के बाद या 2 घंटे तक लेट जाते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा जो रिमेनिंग होता है कैप्सूल का, जो कवरिंग होती है, वो निकलती है और वो निकलनी ज़रूरी भी होती है। कैप्सूल या टैबलेट के जो अंदर का हार्मोन होता है वो 1.5 घंटे में जो है अब्जॉर्ब हो चुका होता है और उसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो निकलता ही है। उसके लिए आप अपनी पैंटी पर जो है पैड लगा सकते हैं, छोटे वाले जो पैड आते हैं, पतले वाले, बिल्कुल पतले वाले होते हैं, पैंटी लाइनर्स जिनको बोलते हैं आप, मैं वो यूज़ करती थी, क्योंकि फिर आपकी पैंटी पूरी ख़राब हो जाती है, आपको पैंटी चेंज करनी पड़ती है रखने, क्योंकि वो रिमेनिंग पार्ट जो है उसका ज़रूर निकलना है और निकलना ज़रूरी होता है। तो पैंटी लाइनर्स आप लगा लीजिए जब भी आप टैबलेट रख रहे हैं, और उसके बाद कुछ देर बाद जब वो आपकी आपको ऐसा लगे कि पूरी निकल चुकी है, तो आप पैंटी लाइनर्स को हटा सकते हैं। तो इस तरह से आपको काफ़ी कंफर्टेबल और ईजी तरीके से रहेगा आपका पूरा ये रखने का पीरियड। इसके अलावा जेल भी कई बार डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर देते हैं। तो देखिए, जेल और टैबलेट या कैप्सूल जो भी है उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन इसमें थोड़ा महंगा आता है। जो जेल होता है वो एप्लीकेटर के साथ ही आता है वो जेल, और वो काफ़ी ईजी रहता है रखना। सेकेंडली वो ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलता है उसमें, क्योंकि वो जो जेल होता है वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, थोड़ा बहुत ही बाहर आता है, तो उसमें पैंटी जो है ज़्यादा ख़राब नहीं होती है। लेकिन आप कैप्सूल रख रहे हैं सस्टेन वाला, तो उसमें जो है वो कैप्सूल पूरा का पूरा कवरिंग के साथ बाहर आता है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है डर्टी हो जाती है उसमें। लेकिन अगर आपको दोनों में से चॉइस करना है तो जो है आप जेल को चूज़ कर सकते हैं, उसमें वो काफ़ी इजी रहता है और उसमें जो है डर्टी भी कम होता है, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा होता है आपकी कैप्सूल से। तो ये दोनों डिफरेंस मैंने आपको बता दिया।